अगर आप अफ्रीका महाद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती और वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसे पक्षियों का देश कहा जाता है, जहाँ 1132 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिसका ज़्यादातर हिस्सा फॉरेस्ट और नेचुरल वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। आज भी यहाँ कलरफुल नेचुरल वर्ल्ड आपको दिखाई दे जाएगा। टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। ये देश दुनिया में कॉफी का एक बड़ा उत्पादक देश है, जहाँ कॉफी सबसे ज्यादा निर्यात होती है। लेकिन यहाँ के लोग कॉफी को पसंद नहीं करते, वो या तो चाय पीना पसंद करते हैं या फिर बियर। हिंद महासागर के किनारे बसा अफ्रीका महाद्वीप का एक खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है केन्या, और हमारी आज की वीडियो भी इसी कंट्री पर बेस्ड है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं अफ्रीका के इस खूबसूरत देश केन्या की शानदार विजुअल्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आइए चलते हैं केन्या की सैर पर। हिंद महासागर के किनारे बसे इस अफ्रीकन कंट्री का इतिहास बहुत ही पुराना है। केन्या का नाम एक पहाड़ की चोटी माउंट केन्या के नाम पर रखा गया है। केन्या का एरिया 5,80,367 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ है। इस देश की सीमा नॉर्थ में इथियोपिया, नॉर्थ ईस्ट में सोमालिया, साउथ में तंजानिया, वेस्ट में युगांडा और विक्टोरिया झील, नॉर्थ वेस्ट में सूडान से मिलती है। केन्या की कुल जीडीपी लगभग 41 अरब डॉलर है। पर पर्सन जीडीपी 9.76 डॉलर है। यहाँ की इकोनॉमी को आप एक लेवल मार्केट के रूप में देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं चलती, केवल प्रोडक्ट की कीमत तय करती है। कम्युनिकेशन यहाँ की जीडीपी में एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, जो यहाँ की जीडीपी का 62% है। और आपको बता दें कि यहाँ 75% से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। यहाँ मुख्य रूप से मशीनरी, व्हीकल प्लास्टिक और ट्रांसपोर्ट मशीनरी इम्पोर्ट की जाती है। यहाँ की आबादी में 99% अफ्रीकी लोग रहते हैं। आपको बता दें कि केन्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सरकारी बसें नहीं चलती, बल्कि केवल वैन चलती है, जिसमें 9 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन अक्सर इसमें 19 लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। 1963 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ ये देश 1964 में एक गणराज्य बना। इसने अपना संविधान लागू किया। इसके बाद इस देश ने धीरे धीरे तरक्की के पायदान पर कदम रखना शुरू किया। लोगों की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिकल बेसिस पर 2 तरह के लोग हैं, एक जो बहुत ही रिच हैं और दूसरे जो बहुत ही पुअर हैं। यहाँ की राजधानी है नैरोबी, जो अपनी खूबसूरती, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, बिंदास नाइट लाइफ के लिए जानी जाती है। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बार और पब बने हुए हैं, जहाँ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी फ्रेंडली होती हैं। अगर आप इनके साथ नाचना शुरू करें तो आप थक जाएंगे, मगर ये थकने वालों में से नहीं। केन्या एक जंगलों से भरा देश है। इस देश में आपको कई तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। केन्या में आपको इतने घने जंगल देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पर शेर, चीता और हाथी जैसे जानवरों के पार्क और जंगल हैं। केन्या में हिंद महासागर के तट के अलावा ताजे पानी और नमकीन पानी की कई झील हैं। इनमें से कुछ झीलों में विक्टोरिया, नकुरु, नवाईशा और बोगारिया शामिल हैं। यहाँ कई रिवर ऐसी हैं जिनमें कार की बजाय बोट से ट्रेवल करना ज़्यादा इजी होता है। गेम रिजर्व पार्क के अलावा टूरिस्ट के इंट्रैक्शन में पहाड़ी एरिया में एडवेंचर्स फील्ड शामिल है। किलिमंजारो और माउंट केन्या की पहाड़ों की एक लंबी लाइन है। केन्या में 67 अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी और स्वाहिली है, और दूसरी बोली जाने वाली मैन लैंग्वेजेस यहाँ के ट्राइब्स कल्चर की देन है। केन्या में बंदरों का बहुत आतंक है। यहाँ बंदर राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। बंदरों का आतंक इतना है कि कई लोग घरों से निकलने में भी डरते हैं। वैसे यहाँ लंगूर जाति के वानर ज़्यादा पाए जाते हैं, पर यह बंदर जाति बहुत शक्तिशाली होती है। 2016 में एक बंदर के ट्रांसफार्मर पर गिरने की वजह से पूरे देश के कई राज्यों की बिजली ठप पड़ गई थी। केन्या से एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट में जड़ी बूटियां और चाय शामिल हैं। यहाँ ऑयल का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है।
लेकिन उसी हिसाब से यहाँ अवेल का कंजक्शन भी होता है। बचा कुचा तेल नेवर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आप केन्या में हैं तो आपको किसी भी गली या बीच रोड पर शेर, तेंदुआ या चीता दिख सकता है। यहाँ जंगली भैंसे दिखना बहुत आम बात है। केन्या में जानवरों को एक तरह की पूरी आज़ादी मिलती है और इन्हें देखने विश्व के कई देशों से पर्यटक आते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है। आपको अगर बड़े जानवर देखने हैं तो केन्या में आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको 5 सबसे बड़े जानवर एक साथ देखने हैं तो केन्या चले आइए। यहाँ आप देख सकते हैं बिग 5 यानी गैंडा, तेंदुआ, शेर, भैंस और हाथी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको जानवरों को देखने का अधिकार है, भूलकर भी उन पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, क्योंकि शिकार के खिलाफ केन्या में बहुत सख्त कानून है। इसके लिए आपको उम्र भर जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। खेलों में एथलेटिक्स गेम बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रात में 11 बजे से सड़कों पर लोग बिना कपड़ों के दौड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी ये संख्या 100, 200 या 1000 नहीं बल्कि लाखों में होती है। जानते हैं इसका कारण क्या है? भाई, सबको दौड़ना है, सबको ओलंपिक रेस में गोल्ड मेडल जीतना है। वैसे भी अक्सर आपने इंटरनेशनल रेस में ज़्यादातर केन्या के एथलीट स्कोर प्राइस लेते हुए देखा होगा, लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि इसके लिए कपड़े उतारकर सड़क पर भागने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बता दीजिए। चिलचिलाती गर्मी में ठंडा पानी किसे पसंद नहीं होता? ठंडी ठंडी आइसक्रीम आपको गर्मी से राहत देती है और गले को भी तर कर देती है। लेकिन आपको बता दें कि केन्या के लोग इस ठंडक को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर का यूज़ ही नहीं करते। केन्या के लोग रूम टेम्परेचर पर ही किसी भी ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं। इनका हर प्रकार का खाना भी रूम टेम्परेचर पर सर्व किया जाता है। साइंटिस्टों की गैसिंग है कि केन्या में मिलने वाली ग्रेट रिफ्ट घाटी 2 करोड़ साल पहले बनाई गई थी। ये तब बननी शुरू हुई थी जब पृथ्वी अपनी आकृति बना रही थी। दहेज की परंपरा केन्या में सदियों पुरानी है। भारत की तरह ठीक उल्टा है। यहाँ लड़के वाले लड़की को दहेज में 10 गाय भेंट करते हैं। ऐसा न करने पर वो शादी नहीं मानी जाती। केन्या में एक से ज़्यादा पत्नियाँ रखने का ट्रेडिशन है। अगर आप सक्षम हैं तो 10 गाय या इससे अधिक दहेज देकर कितनी भी शादियाँ कर सकते हैं। ये यहाँ कानूनी तौर पर अलाउ है। केन्या के एक वकील ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 50 गांव के साथ कुछ बकरियां देने की पेशकश की थी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बराक ओबामा की बेटी से शादी करना चाहता था। मगर शायद उसे ये बात मालूम नहीं थी कि अमेरिका में गाय भैंस देखकर शादी नहीं होती। केन्या में कॉफ़ी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन देश में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। केन्या के लोगों का मानना है कि जहां कहीं भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है और जो भी करता है उन्हें ये अपने देश के बाहर बेचना चाहिए। इसलिए केन्या के लोग चाय या बियर पीते हैं। केन्या में गुलाब के फूलों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। दुनिया में गुलाब के फूलों के प्रोडक्शन के मामले में केन्या 3रे नंबर पर आता है। इसलिए इसे कंट्री ऑफ रोज भी कहा जाता है। लगभग 100 वर्षों के लिए केन्या पर अंग्रेजों ने शासन किया था। केन्या के इतिहास में भी गुलामी की काली छाया लंबे समय तक घिरी रही। ब्रिटेन से आज़ादी का संघर्ष रंग लाया और केन्या को लंबे अरसे और संघर्ष के बाद 1963 में अपनी आज़ादी मिली। केन्या की मुद्रा शिलिंग है। घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिहाज से केन्या यूरोपियन कंट्रीज की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है। मित्रों, साइंटिस्टों की माने तो ह्यूमन स्पीशीज का ओरिजिन केन्या ही है, लेकिन पूर्वजों की हड्डियों को वैज्ञानिकों ने तुर्काना बेसिन में खोजा था। केन्या में 80% से अधिक ईसाई हैं। शेष 20% में मुस्लिम, हिंदू और दूसरे धर्म के लोग हैं। केन्या लगभग 70 अलग अलग जनजातियों का घर है। कॉफ़ी और पर्यटन केन्या में सबसे बड़े उद्योग हैं। केन्या की 99% आबादी काले अफ्रीकी लोगों से बनी है। केन्या की अधिकांश बिजली जल संसाधनों से बनाई जाती है। यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी बड़ा महत्व देते हैं। गरीब भी होने के बावजूद केन्या में साक्षरता दर लगभग 78% है। केन्या में आखिरी बार 1922 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। दोस्तों, ये थे केन्या से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। केन्या एक बेहद ही सुंदर देश है। यहाँ आप जंगली जानवरों के साथ यहाँ के ट्राइब्स की जीवन शैली के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ रहने वाले मसाई जनजाति के लोग और उनकी परंपराएं पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। दोस्तों, ये थे एक खूबसूरत अफ्रीकन कंट्री केन्या के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आप जिस भी देश के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उस देश का नाम जरूर लिखिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।